हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम सब्जेक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना चाहिए और ये आपका जिंदगी का गोल होना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए कि क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम और आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ तो लेट्स स्टार्ट। My dear friend, I'm Sanjay Shah, behavioral trainer and life coach. I was talking about the subject, the topic, financial freedom. ये जो financial freedom का जो topic है, बहुत ही important topic है, बहुत ही useful topic है, जो हर आदमी को जानना चाहिए और अपने जिंदगी में, अपने life में उसे goal बनाना चाहिए और उसे achieve करने के लिए जो भी कदम हो सकता है उसे लेना चाहिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी टाइम से मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। या फिर आपको कुछ अलग तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप, तो भी जरूर कमेंट करें ताकि मैं उस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और ये जो बेल बटन है उसे जरूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलता रहे आपको। तो चलिए हम जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, जो वर्ड से आपको क्लियर दिख रहा है, फाइनेंशियल एंड फ्रीडम है ना, फाइनेंशियली आपको फ्री होना है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आपकी लाइफ में जो भी एक्सपेंडिचर हो रही है, आपको रहने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, आपका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप कहाँ से ला रहे हैं? कहीं से तो ला रहे होंगे ना। तो वो एक्सपेंडिचर आप कहीं से ला रहे हैं, उसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर डूइंग सम जॉब, यू आर डूइंग सम बिजनेस, और उसके बदले में यू आर गेटिंग सम मनी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर है आपके लाइफ में, वो पाने के लिए आपको कुछ भी ना करना पड़े, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। आएगा समझ में? इसको ऐसा समझिए कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसको लिखिए अपने एक पेपर में, जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली एक्सपेंडिचर है 30,000, राइट? आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल। सो 30,000 आपका मंथली एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको ऐड करने के बाद जो हर महीने आपका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको लिखिए और नोट करिए कि कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो मैंने जो यहाँ एग्जाम्पल लिया वो है 30,000, ओके? अब उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए। 12 महीने होते हैं साल के, राइट? तो साल के जो 12 महीने हैं उसको उस 30,000 या फिर आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे कितना मिला? 3.6 लाख। आपका जो भी एक्सपेंडिचर है मंथली, मे बी हो सकता है आपका 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, नो प्रॉब्लम, जो भी है उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है 30,000, उसके अनुसार हमारा जो ईयरली एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ 3.6 लाख, करेक्ट? अब ये देखिए, आपके पास इतना असेट होना चाहिए, इतना पैसे होने चाहिए, या तो बैंक में या फिर समवेयर बिजनेस में, ताकि आपका जो ईयरली एक्सपेंडिचर है 3.6 लाख, या फिर आपका जो भी ईयरली एक्सपेंडिचर है वो आपको ईयर में मिलता रहे, ईयरली आपको मिलता रहे। तो यहां पे हमारा 3.6 लाख है ईयरली। तो आपको ऐसा क्रिएट करना है समथिंग, इस तरह से अपने मनी को अरेंज करना है, मनी को इन्वेस्ट करना है, इतना मनी कमाना है
इतना पैसे कमाना है कि आपको साल में कम से कम 3.6 लाख मिले, तब आप कहेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, करेक्ट? यह है फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा। फाइनेंशियली फ्री अगर होना चाहते हैं तो आपकी जो भी ईयरली एक्सपेंडिचर है उतना आपको बिना मेहनत किए हुए आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। यह इसलिए भी जरूरत पड़ती है कि देखिए, आप जब तक जवान हैं, जब तक आप में एनर्जी है, जब तक आप में कैपेसिटी है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, राइट? लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं वर्क कर सकते। कर सकते क्या जिंदगी भर? नहीं कर सकता ना आदमी। तो एक समय ऐसा आएगा या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाए कि आप उस लायक ना रहें, खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन फिर भी अनहोनी तो अनहोनी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी कोरोना हुआ, कोरोना में लॉकडाउन हुआ, करेक्ट? लॉकडाउन हुआ तो कैसे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, 2 महीने 3 महीने घर में बैठे रहना पड़ा। तो इमेजिन करिए, अगर आपके पास 2-3 महीने का एक्सपेंडिचर घर में नहीं है तो कैसे आप इसको यूज करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे? तो अभी जो ये जो लॉकडाउन हुआ, इसमें कई लोगों को समझ में आया कि कैसे फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको ऐसे ही एक गोल रखना है आपको लाइफ में कि आपको इतने पैसे कमाने हैं, इतने इन्वेस्टमेंट बनाने हैं, इतने एसेट बनाने हैं, इतने आपके पैसे बिजनेस में रहने चाहिए, ताकि आपको ईयरली जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपको मिलता रहे बिना मेहनत के, ऑटोमेटिक यू कैन से, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियली फ्री अगर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। मैं आज आपके साथ 5 स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टेप बात करूंगा, 5 स्टेप को आपके साथ शेयर करूंगा, जो अगर आप अपने लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आई एम श्योर कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो लेट अस सी वो फाइनेंशियली फ्रीडम होने का क्या 5 स्टेप है, उस स्टेप को मैं आपके साथ शेयर करता हूं।